राजस्थान के सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी पर आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2019 के बारे में। तो दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों के मन में डाउट चल रहे थे कि आवेदन कब से शुरू होंगे, पटवार भर्ती परीक्षा कब से होगी, क्या इसका पैटर्न रहने वाला है। सारी अपडेट आपको इसकी ऑफिशियली न्यूज़ में आपको बताने वाला हूँ, तो बिना वीडियो को स्किप किए कंटिन्यू देखते रहिए तथा एकदम सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ऐसा रेड बटन दिख रहा होगा, इस पर आके आप ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पास में बने इस घंटे के चिन्ह पर भी आप जरूर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आगामी आने वाली जो राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, साथ में ग्राम सेवक और रिट की जो भी अपडेट मिलती है, सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और घंटे के चिन्ह पर भी क्लिक कर देना, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो आज की न्यूज़ जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में पटवारियों के जो रिक्त पद है 3835 पदों पर भर्ती किए जाने के लिए जल्द विज्ञप्ति जारी होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भर्ती के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। राजस्थान के अधीन सेवा चयन बोर्ड की ओर से यह भर्ती परीक्षा कराई जाएगी और इससे पहले राजस्व मंडल की ओर से यह भर्ती परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा 300 अंकों के पैटर्न के आधार पर आधारित होगी। एक्सपर्ट के अनुसार परीक्षा में भारत व राजस्थान का सामान्य ज्ञान, गणित व तर्क शक्ति है जो रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर व भाषा संबंधी जो हिंदी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और परीक्षा के आवेदन फॉर्म जुलाई महीने के आखिर या अगस्त महीने में के ऑनलाइन भरे जाएंगे। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, आवेदन जो आपके इस जुलाई महीने के लास्ट में और या अगस्त महीने के तक आपके भरे जा सकते हैं। और साथ में यहाँ बताया गया है कि जो परीक्षा है वह इस साल नवम्बर दिसंबर के बीच होने की संभावना है। इस परीक्षा में पुराने 2000 पदों व नए रिक्त पदों के आधार पर भर्ती परीक्षाएं होगी। परीक्षा का राज्य स्तर पर चयन होगा। यहाँ पर इसके अलावा जो अभ्यर्थी है उनका चयन अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर जिलेवार आवंटन यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों, जिलों के हिसाब से यहाँ पर पोस्ट प्रिफ्रेंस आपसे भरी जाएगी और बाद में 3500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है उसकी जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में बताई जा रही है और फॉर्म आपके आखिरकार अगस्त तक भरा ही लिए जाएंगे। नोटिफिकेशन आपको जुलाई अंत महीने तक देखने को मिल जाएगा। जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी होता है, अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाएगी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के चिन्ह पर भी क्लिक कर देना और एक वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। बाय।